वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद वीना का फ्रेंड्स आज मैं आपको हेयर केयर से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल नेचुरल होंगे हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्कैल्प को मजबूत करना। देखिए स्कैल्प को मजबूत करने के लिए उसकी मसाज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मसाज से हमारी स्कैल्प मज़बूत होती है और स्कैल्प जितनी मजबूत होगी बालों की ग्रोथ बालों की लेंथ वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑयल्स बताऊंगी जो कि आपकी स्कैल्प को मजबूत करने में आपकी हेल्प करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट ऑयल है वो है कैस्टर ऑयल जो कैस्टर ऑयल होता है वो हमारे बालों के हेयर को ग्रोथ को प्रमोट करता है जो हमारा सेकेंड ऑयल है वो है जोजोबा ऑयल ये हमारे बालों में जो इचिंग हो जाती है उसे सही करता है हमारा थर्ड ऑयल है एवाकोडा ऑयल ये डैमेज हेयर को रिपेयर करता है हमारा फोर्थ है एलमंड ऑयल ये हमारे बालों को स्किन को जो है बिल्कुल क्लियर करता है और जो हमारा फिफ्थ और लास्ट है वो है आंवला का तेल ये हमारे बालों को नेचुरल ब्रैक रखता है ऐसे ही कई प्रकार के और भी ऑयल हैं जो अलग अलग समस्याओं के हिसाब से वर्क करते हैं आप मुझे अपनी समस्या कमेंट सेक्शन में बताना फिर मैं आपको बताऊंगी उसके हिसाब से आपको किस तरह के ऑयल का यूज़ करना है तो बालों की मसाज के बाद हमारा जो सेकंड टिप्स आता है वो आता है कि हम अपने बालों को मसाज के बाद कैसे वॉश करें देखिए बालों को वॉश करने का जो सही तरीका होता है वो ये है कि जब आप अपने बालों को शैम्पू करें तो पहले आप अपने शैम्पू को डायलूट कर लें डायलूट करने के लिए आपको अपने शैम्पू में थोड़ा सा पानी मिक्स करना है आप शैम्पू कम लें पर पानी की क्वांटिटी थोड़ी उससे ज़्यादा रखें उसके बाद आप अपने हेयर वॉश को करें आप अपने हेयर को वॉश करेंगे उससे तो आपके बालों में जो केमिकल होते हैं शैम्पू में वो कोई भी किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं देंगे अब बालों को शैम्पू कर लिया तो उसके बाद अब हमें करना है सीरम सीरम भी बालों में करना बहुत ज़रूरी होता है तो सीरम आप मार्केट बेस ना लें क्योंकि मार्केट बेस्ड सीरम जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं हम यहाँ पर सीरम अपने घर में नहीं बनाएंगे नेचुरल वे से आप घर में जब सीरम बनाएंगे तो उसका बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कैसे आप बनाएंगे आपको एक अनियन लेना है और उसे अच्छे से पीस लेना है पीसने के बाद आपको उसका जितना भी जूस है उसे निकाल लेना है और एक स्प्रे बोतल में डालकर उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करना है उसके बाद उसे आपको अपनी स्कैल्प पर अच्छे से लगाना है जो सेकंड सीरम है वो आपको बनाना है राइस से तो राइस से सीरम बनाने के लिए आपको जो चावल हैं उन्हें पंद्रह मिनट के लिए भिगो देना है अच्छे से वॉश करके और उसके बाद जो भिगे हुए चावल का पानी है उसे आपको एक जो बोटल होती है स्प्रे उसी में ट्रांसफ़र करना है और उसमें थोड़ा सा और भी पानी आप चाहें तो मिला सकते हैं वरना आप उसे स्किप करें पानी ना मिलाएं आप डायरेक्ट भी उसे अपने बालों पर लगा सकते हैं वो भी बहुत बेस्ट सीरम है बालों की ग्रोथ के लिए देखिए मैंने आपको जो चार टिप्स बताई हैं उन टिप्सों से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो है आपकी हेल्दी डाइट अगर आपकी डाइट हेल्दी होगी तो आपको ये सारी जो समस्याएं हो रही हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी क्योंकि हमारी डाइट अगर खराब होती है तो ही हमें सारी प्रॉब्लम होती है तो हेल्दी डाइट आप लीजिए और उस डाइट में आपको शामिल करना है ओमेगा थ्री तो ओमेगा थ्री का जो सबसे अच्छा स्त्रोत है वो है फ्लैक्सीड फ्लैक्सीड का आप जेल है वो मॉर्निंग में पीजिए डेली उसी के साथ आप ड्राई फ्रूट्स में डेली दो से तीन अखरोट लीजिए ये आपके बालों की सभी समस्याओं को ख़त्म करेंगे ये ओमेगा थ्री जो होता है फ्लैक्सिट में पाते हैं और जो अखरोट होता है इसमें भी जो चीज़ें मिलती हैं वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन मिलता है तो आप इन चीज़ों को ज़रूर यूज़ करें अपनी डाइट में आशा करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने एक्सपीरियंस को मिलते हैं न्यू टिप्स के साथ तब तक, तक ले बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग